गुड आफ्टरनून। टॉपिक चल रहा था डिपॉजिटरीज, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। क्या तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं क्या आज? चलो फिर और मजा आएगा। तो लास्ट टॉपिक इफ यू रिमेम्बर, शायद मैं यही पढ़ा कर गया था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन न्यू इश्यू, याद है? इन्वेस्टर डीपी के पास अकाउंट खुलवाए, एप्लीकेशन सबमिट करे, बोले कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर चाहिए, क्या प्रोवाइड करे? अपना डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी। फिर जो रजिस्ट्रार है मतलब इशुअर है, वो लिस्ट ऑफ अलॉटी किसको देगा? डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी उनका अलॉटी का अकाउंट डीपी के पास जो है उसको क्रेडिट करवा देगा। आई थिंक ये मैंने कल डिस्कस किया था लास्ट में जाते जाते। तो डीमैट की प्रोसेस, रिमैट की प्रोसेस, और पहली ही बार में जब कंपनी का आईपीओ ही आ रहा हो उसी टाइम शेयर्स कैसे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, ये हम समझ चुके थे कल तक। तो अब तक हमने ये समझा डिपॉजिटरी सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम काम कैसे करता है, और डीमैट, रिमैट और डायरेक्टली क्रेडिट कैसे होती हैं। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मुझे दो तीन बातें बता दो, दो तीन चीजें मैं बता दो। पहले आपने कितनी सीखी अब तक? मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, डिपॉजिटरी सिस्टम में सिक्योरिटीज ट्रांसफर कैसे होती हैं? डिपॉजिटरी सिस्टम में सिक्योरिटीज ट्रांसफर कैसे होती हैं? बहुत बढ़िया, कुछ एक दो को याद है, बाकी सब देख लो क्या करना है। डिपॉजिटरी सिस्टम में सिक्योरिटीज ट्रांसफर होती हैं थ्रू बुक एंट्री, ये बात हुई थी। बुक्स किस बात की? बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज, जो कौन मेंटेन कर रहा है? डिपॉजिटरी। केवल बुक एंट्री से ट्रांसफर होते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम में अगर आप चले गए तो ऑनर कितने तरह के हो जाएंगे? दो, पहला रजिस्टर्ड ऑनर और दूसरा रजिस्टर्ड ऑनर कौन? जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में लिखा हुआ है, और वो कौन है? डिपॉजिटरी। और बेनिफिशियल ऑनर कौन? जो एक्चुअल शेयर होल्डर है, जिसकी रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? डिपॉजिटरी। और अगर शेयर फिजिकल फॉर्म में है तो वही व्यक्ति रजिस्टर्ड ऑनर और वही बेनिफिशियल ऑनर। बहुत बढ़िया, पक्का क्लियर है यहां तक सबको? चलिए, अब मैंने आपको एक नाम और बताया था, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। या पता क्या ही करते हो तुम लोग, तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है तुम्हारा पढ़ना। कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, द थिंग्स विच यू रिसीव आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करने के बाद जो आपको मिलता है उसे कॉर्पोरेट बेनिफिट कहते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट और नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट। बात हुई तो थी हमारी। कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स क्या? डिविडेंड, इंटरेस्ट, डिबेंचर पर इंटरेस्ट, इक्विटी पर डिविडेंड, ये कौन सा है? कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। तो नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स क्या होते हैं? बोनस शेयर, राइट शेयर एटसेट्रा। ये बताओ, डीमैट अकाउंट में शेयर्स या सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन होगा या कैश का ट्रांजेक्शन भी हो जाएगा? और डीमैट अकाउंट में केवल सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन होता है, केवल सिक्योरिटीज का। तो बताओ, डिमटेरियलाइजेशन हो जाने के बाद भी, डिविडेंड बैंक अकाउंट में आएगा या डीमैट अकाउंट में? हाँ, डिविडेंड, डिविडेंड बैंक अकाउंट में आएगा या डीमैट अकाउंट में? बैंक अकाउंट में। मतलब डिविडेंड या इंटरेस्ट पर कुछ इंपैक्ट आएगा डीमैट होने से? नहीं, वो पहले जैसे ही मिलते रहेंगे। तो डिफरेंस कहाँ आएगा? नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट, वो डायरेक्टली कहाँ क्रेडिट होंगे? आपके डीमैट अकाउंट में। देखो ये दो लाइन पढ़ो तो आपको समझ में आती है क्या? मिला ऊपर हेडिंग कॉर्पोरेट एक्शन, मिला हेडिंग कॉर्पोरेट एक्शन, इसके दोनों पॉइंट्स पढ़ो तो। डिविडेंड या कैश बेनिफिट्स, दीज बेनिफिट्स आर डायरेक्टली फॉरवर्डेड टू द इन्वेस्टर बाय द कंपनी, है ना? तो कंपनी ही याद रखो बस, उसके रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट, अभी आपको ये वर्ड ही समझ नहीं आते, धीरे धीरे आएंगे। तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा। पॉइंट नंबर टू में क्या लिखा है? नॉन कैश बेनिफिट जो कि है बोनस, राइट, दीज बेनिफिट्स आर, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिटेड इन द बेनिफिशियल ऑनर्स अकाउंट थ्रू, ये क्या लिख दिया? बेनिफिशियल ऑनर, पक्का है ना? आगे ना कई जगह ये बीओ लिखेंगे, बीओ मतलब बेनिफिशियल ऑनर। तो बेनिफिशियल ऑनर के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होंगी सिक्योरिटीज, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो तो यार,
एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको? हाउ वुड मिस्टर एक्स गेट बोनस शेयर इफ ही होल्ड शेयर इन डीमैट फॉर्म? क्या आंसर दोगे इसका? हाउ वुड वी नो, हमें क्या पता? पक्का क्लियर है? कंपनी उनके बेनिफिशियल ओनर के डीपी क्लाइंट आईडी डीपी आईडी उनके पास होंगे, डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यही है ओवरऑल डिपॉजिटरी सिस्टम। दो तीन चीजें और बेसिक बेसिक हैं, वो समझ लो। पहला पॉइंट, क्या एक डीप एक इन्वेस्टर क्या एक इन्वेस्टर एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुलवा सकता है? क्या आप एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो? ये आप बैंक पे क्यों आ जाते हो बार बार? ये मैंने पहले ही दिन बताया था, जब भी इसमें कुछ समझ नहीं आए बैंक समझ लेना। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, तो एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये कोई पैन कार्ड थोड़ी जो एक ही लेना है, ये कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, अकाउंट है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, कोई एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट क्यों खुलवाएगा? जितने भी शेयर है उसमें ही रख ले। अपने पापा से पूछना एक से ज्यादा बैंक अकाउंट क्यों खुलवा रखे, एक में रख लो पैसे। और देयर माइट बी रीजन ना, कि उनको उस बैंक में भी चाहिए, इस बैंक में भी चाहिए, कुछ कुछ रीजन हो सकते हैं। तो ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट रख सकते हो। आपको उनकी सर्विसेज पसंद आ रही हैं, आपने सोचा ठीक है उनकी सर्विसेज भी ले लेते हैं, उनके यहां भी डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं। किसके यहां खुलेगा डीमैट अकाउंट? किसी डिपॉजिटरी के डीपी के यहां, ठीक है। एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट हो सकते हैं। दूसरा, क्या एक डीमैट अकाउंट में आप शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स प्रेफरेंस सब रख सकते हो? या ऐसा करना होगा रिलायंस के शेयर के लिए डीमैट अकाउंट, टाटा के शेयर के लिए दूसरा डीमैट अकाउंट खुलवाओ। एक बैंक में 2000 के 500 के 100 के सबके नोट जमा करवा सकते हो? हाँ ठीक है, आ गया समझ में। तो एक डीमैट अकाउंट इज सफिशियंट, उसमें सारी तरह की सिक्योरिटीज आपकी होल्ड हो सकती हैं, ये भी ठीक है। तीसरी बात, जब भी आप किसी सिक्योरिटी को क्या करवाते हो, डीमटेरियलाइज, एक्चुअली आप नहीं, आपकी जगह वर्ड क्या यूज करूंगा, जब भी एक इश्यूअर कहेगा ना कि हमारे भी इक्विटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना स्टार्ट कर दो, याद करो इन्वेस्टर करवा लेता है डीमैट या पहले इश्यूअर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए डिपॉजिटरी के साथ? पहले इश्यूअर का कॉन्ट्रैक्ट हो, फिर उस सिक्योरिटीज में डिपॉजिटरी डील कर रहा हो ना, तब जाकर आप उसके पास जा सकते हो कि मेरे भी शेयर इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर दे। ऐसा समझ में आया था आप सबको? अरे आया था या नहीं आया ना? आप चले जाओ कि एबीसी लिमिटेड के शेयर से इसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर दो, क्या देखकर कन्वर्ट होंगे कि उस शेयर में वो डील करते हैं या नहीं करते? तो एक इश्यूअर गया इनके पास कि हमारी सिक्योरिटीज को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करो। तो जब भी कोई इश्यूअर किसी सिक्योरिटी को ई फॉर्म में डील करवाना चाहेगा, तो पहले उस सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट करे, फिर इश्यूअर जो जो चाहेंगे वो अपनी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेंगे। बट समझना, जब भी आप किसी सिक्योरिटीज को डिपॉजिटरी के सिस्टम में ले जाओगे, आपकी सिक्योरिटी को एक सेपरेट आइडेंटिटी नंबर मिलेगा। ये सेपरेट आइडेंटिटी सिक्योरिटी का है या कंपनी का है? सिक्योरिटी का। इसे बोलते हैं ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। डीमैट सिस्टम में हर सिक्योरिटी को एक नंबर से जाना जाता है, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में ना ऐसा आएगा, इस नंबर के आपके पास 500 शेयर हैं, उससे पता चलेगा कौन सी कंपनी के कौन से शेयर हैं। अरे समझ में आ रहा है? डीमैट सिस्टम में हर सिक्योरिटी को क्या दिया जाता है? एक सेपरेट नंबर। तो रिलायंस के शेयर का एक सेपरेट ISIN होगा, रिलायंस के डिबेंचर का भी एक सेपरेट ISIN होगा,
रिलायंस के अगर प्रेफरेंस शेयर भी डिमैट फॉर्म में है तो उनका भी एक सेपरेट आईएसआईएन होगा। मैं पूछ रहा हूं ये शेयर का नंबर है, मतलब ऐसा पूछ रहा हूं मैं, रिलायंस आप सब हमारे शेयर होल्डर, ये नंबर आपके सबके डिमैट अकाउंट में अलग अलग रहेगा या सिक्योरिटी का सेम रहेगा? रिलायंस के शेयर का सेम रहेगा। अब आपके जिसके भी अकाउंट में 100 100 5 500 शेयर है, लिखा जाएगा इस नंबर के 500 शेयर, इस नंबर के 100 शेयर, वो नंबर सबके अकाउंट में क्या रहेगा? सेम। अरे वो सिक्योरिटी का नंबर है, तो हर सिक्योरिटी को एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाता है वाइल एंटरिंग इनटू डिमैट सिस्टम, डिपॉजिटरी सिस्टम। देखो एक टॉपिक आईएसआईएन, क्या हेडिंग है? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब एक काम की बात सुनो, आप बताओ अब तक आपको क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज रखना ऑप्शनल है या कंपलसरी है? तो अब तक तो आपको क्या लग रहा है? ऑप्शनल है। दो बड़ी बड़ी बातें सुनो, और भी हैं, पहले दो काम की हैं सबसे ज्यादा, वो सुन लो। किसी भी सिक्योरिटी का अगर क्या आ रहा है, पब्लिक ऑफर ऑफ एनी सिक्योरिटी, किसे कहते हैं पब्लिक ऑफर? आईपीओ एफपीओ। कंपलसरी है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज इश्यू करना, कंपलसरी है। किसी भी सिक्योरिटी का पब्लिक ऑफर आए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इश्यू करना जरूरी है। सर मतलब जिसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो आईपीओ में अप्लाई भी नहीं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, अलाउ ही नहीं है। अरे यार सर कैसे बात कर रहे हो, फिर तो बचा ही क्या, जब आईपीओ में खरीदे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉनिक तो कंपलसरी हो गया ना, सबके पास इलेक्ट्रॉनिक में होंगे। नहीं ना, चूंकि कंपल्शन नहीं है इसलिए तुम बाद में जाके रिमेट भी तो करवा सकते हो, पढ़ तो लिया कल, कंपल्शन थोड़ी है। पर आईपीओ का टाइम कंपलसरी है तो उस टाइम तो डिमैट में लेने पड़ेंगे। फिर आप चाहते हो फिजिकल होल्ड करना तो क्या करवा लो, जल्दी बताओ क्या करवा लो? रिमैट नहीं है कंपलसरी। हाँ हो गया, आगे स्टॉक एक्सचेंज पर जो ट्रेडिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज समझते हो है ना, स्टॉक एक्सचेंज पर जो ट्रेडिंग होती है केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सिक्योरिटीज की ही होती है। मतलब अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर है ना, आप ब्रोकर के पास नहीं जा सकते कि इसको बेच दो, वो डील ही नहीं करते। पूरा स्टॉक एक्सचेंज केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सिक्योरिटीज में ही डील करता है। आपको अब समझ में आ गया होगा, इन्होंने 90% तो खत्म ही कर दिया ना सब। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग केवल किसकी हो सकती है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के सिक्योरिटीज की। तो एक तो पब्लिक ऑफर में अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही कंपलसरी है, और एक स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सिक्योरिटीज की ही होगी। चलिए एक बेसिक सी बात और कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। बेसिक ओवरऑल बेसिक खत्म होगा, उसके बाद रेगुलेशंस पर चलेंगे। इतना सा समझना है बस। एक तो ये देखो, ये बैंक और डिपॉजिटरी के बीच में डिफरेंस समझ में आता है क्या आपको?
अच्छा, इनके बीच में कोई सिमिलरिटी है क्या? दोनों बैंक ही हैं, बट बड़ा डिफरेंस क्या है? वो पैसे में डील करती है, सिक्योरिटीज में करती है। देखो, तो अब एक बेसिक टॉपिक और बचा है, ये डीपी कौन होता है। तो इतने दिनों में आपको यार आई होप समझ में आ गया होगा डीपी कौन होता है। कौन है डीपी? एक तरह से डिपॉजिटरी की ब्रांच है। डिपॉजिटरी कस्टमर के साथ डील किसके थ्रू करेगा? तो हु इज द कस्टमर इंटरफेस ऑफ द डिपॉजिटरी? कस्टमर इंटरफेस मतलब जिसके थ्रू आप डील कर पा रहे हो, सामने कौन दिख रहा है आपके बिहाफ पर, तो इज द कस्टमर इंटरफेस डीपी। देखो तो क्या क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिटरी इंटरफेस विद द इन्वेस्टर थ्रू द एजेंट्स। क्या ऐसा ही है? डिपॉजिटरी किसके थ्रू डील करता है किस इन्वेस्टर के साथ? अपने एजेंट के थ्रू। कौन है वो? डीपी। अगर कोई भी इन्वेस्टर डिपॉजिटरी की सर्विसेज लेना चाहे तो इन्वेस्टर को अकाउंट खुलवाना पड़ेगा किसके पास? डीपी के पास। जैसे कि अगर आपको बैंक, जैसे कि बैंकर किसके थ्रू काम करता है, जैसे सॉरी जैसे कि ब्रोकर काम करता है एज एन एजेंट ऑफ द इन्वेस्टर एट द स्टॉक एक्सचेंज, डीपी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इन्वेस्टर इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। क्या ऐसा ही है? एंड ही क्रिएट द लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर। कंपनी और इन्वेस्टर आज के डेट में किसके थ्रू जुड़े हुए हैं आप बताओ? अदरवाइज तो कंपनी के पास तो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर अपडेटेड भी नहीं है, तो बताओ कंपनी और इन्वेस्टर आज के डेट में लिंक किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? डिपॉजिटरी और डीपी। अरे कंपनी के पास तो आज के डेट में पता ही नहीं है कंपनी को कि हमारे एक्चुअल ओनर कौन है, इन्हीं के थ्रू जुड़े हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटीज का अकाउंट होता है वो कौन मेंटेन करता है? डीपी। हम भी वही कह रहे हैं, डीमैट अकाउंट वही मेंटेन करता है। अब नीचे लिखा हुआ है कि डीपी एग्जैक्टली क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है डीपी की। अभी ये हटाओ, क्या ये समझ में आता है? जो 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 आप अभी समझ पाओगे वो बताता हूं। क्या एक्ट एज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी? पॉइंट नंबर टू, क्या वो कस्टमर इंटरफेस है? यस। किसके किसके जैसे काम करता है? सिक्योरिटीज की बैंक। क्या कर सकते हो इसके जाकर? अकाउंट ओपनिंग। इसके अलावा और क्या करोगे? डीमटेरियलाइजेशन भी इसी के थ्रू करोगे, रीमटेरियलाइजेशन भी इसके थ्रू करोगे, सिक्योरिटीज का ट्रांसफर भी किसके थ्रू होगा? इसी के थ्रू। अभी एक वर्ड समझ नहीं आएगा, इग्नोर करना, बट क्या क्लियर है? ट्रांसफर भी इसी के थ्रू होगा। अब एक और चीज समझ लो, जरूरी है क्या शेयर का ट्रांसफर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही करूं जाकर? क्या शेयर्स में डील आउट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकती है? हो सकती है। सुनना, ये ए और बी, इन्होंने ना स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स खरीदे बेचे। तो ये ए है सेलर और बी कौन है? बायर। इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर खरीदे बेचे। बताओ इनके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कैसे होंगे? डीमैट डिपॉजिटर को पता कैसे चलेगा कि इसने बेच दिया और उसने खरीद लिया? तो स्टॉक एक्सचेंज ही डीपी को क्या करेगा? इंटीमेट। अरे उनके सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम बताएगा, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही इंटीमेट होगा। कैसे होगा? एक स्टॉक एक्सचेंज नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब पूरा सिखाऊंगा कि एक्चुअल में ट्रेडिंग होती कैसे, मार्केट में एक्चुअल में ट्रेडिंग होती कैसे सीखेंगे किसी दिन। तो सेलर ये है, बायर ये है, इसने इसको इतने शेयर बेचे हैं इसलिए इसके अकाउंट से इतने शेयर इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये बताने वाला कौन है डीपी को? स्टॉक एक्सचेंज। और फिर डीपी शेयर्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या कर देगा? ट्रांसफर। बताओ ये शेयर का ट्रांसफर कहां हुआ था? स्टॉक एक्सचेंज पर ये ट्रेडिंग हुई थी। अब आप सोच कर देखो कि अगर आपने आप गए ही नहीं स्टॉक एक्सचेंज के पास, ए और बी दोनों फ्रेंड्स हैं और ए ने
अपने शेयर बी को सेल कर दिए विदाउट स्टॉक एक्सचेंज। पहले तो ये बताओ वेदर दिस इज पॉसिबल। अरे जब आप दोनों एक दूसरे को जानती हो तो ब्रोकर के पास क्यों जाओगे? कैसे किया है ट्रांजेक्शन विदाउट स्टॉक एक्सचेंज, और क्या लिख सकते हो? आउट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और सही नाम पता है इसका क्या है? ऑफ मार्केट ट्रांसफर। ऑफ मार्केट मतलब क्या? स्टॉक एक्सचेंज के बाहर। ऑफ मार्केट ट्रांसफर बोल सकते हो उसको, विदाउट स्टॉक एक्सचेंज, आउट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज या ऑफ मार्केट ट्रांसफर। ए ने बी को ऐसे ही शेयर बेचती है, अब बताओ डीपी ट्रांसफर कैसे करें? अब डीपी को कोई बताने वाला है क्या स्टॉक एक्सचेंज? अब बताने वाला है क्या स्टॉक एक्सचेंज? उनको तो पता है, उनके यहां तो ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। अब डीपी कैसे ट्रांसफर करता होगा? हाँ बोलना सर। ये जाए अभी और भी दोनों डीपी के पास। चलो वापस से आपको बताता हूं। एक बात बताओ, अगर आपको किसी के अकाउंट में पैसे डलवाने हो तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो क्या? क्या? हाँ हाँ सही बोल रहे हो, चेक। क्या होता है चेक? आप लिख के देते हो कि मेरा चेक है, चेक पर आपका अकाउंट नंबर और आपका नाम लिखा होता है, तो साइन कर दो बस। और क्या लिख दो? सामने वाले का नाम। तो वो आपके अकाउंट से बैंक पैसे काट के उसके अकाउंट में जमा करवा देती है। तो वैसे एक इंस्ट्रूमेंट यहां होगा। तो अब ना ए फिल कर बेचे किसने शेयर? ए ने। तो ए फिल करके देगा एक स्लिप, इस स्लिप को कहा जाता है डी आई एस। और इस डी आई एस डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप डी आई एस। एक मिनट, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप इसको बोलते हैं डीआईएस। ये जैसे बैंक में चेक होता है ना, वैसे ही डिपॉजिटरी सिस्टम में डीआईएस होती है। अब शायद इतनी देर में तो आप समझ गए होंगे वापस से क्या है ये। ए लिख कर देगा कि बी के अकाउंट में इतने शेयर ट्रांसफर कर दो। किसको देगा ये फिल करके? डीपी को। तो डीपी आपके शेयर ट्रांसफर कर देगा। तो डीमैट सिस्टम में एक और इंस्ट्रूमेंट का बहुत बड़ा रोल है। कौन से इंस्ट्रूमेंट का? डीआईएस का, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। फिजिकल होती है, भर के दे दो कि इस अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर दो मेरे अकाउंट से, तो वो आपका अकाउंट डेबिट करके उनका अकाउंट क्रेडिट कर देगा। तो क्या ऑफ मार्केट ट्रांसफर के केस में भी डीपी शेयर ट्रांसफर कर सकता है? हाँ कर सकता है। थ्रू व्हाट? थ्रू डीआईएस। यही वहां लिखा था। क्या लिखा था सर वहां? ऐसा इनेबल्स ऑफ मार्केट ट्रांसफर। तो ऑफ मार्केट ट्रांसफर भी ये मेंटेन कर सकते हैं। किसके थ्रू करते हैं? डीआईएस के थ्रू। तो क्या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर होंगे तो भी ये कर देंगे? हाँ वो तो ये कर ही देंगे, लिखा भी है सेटल ट्रेड्स इन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट। अब ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये दोनों अभी हमने स्किप किए, ये लास्ट तो अभी कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। डीपी बन कौन सकता है ये भी बात कर लेते हैं। आपके अकॉर्डिंग तो डीपी कोई होता ही नहीं था, डीमैट अकाउंट तो बैंक में जाके खुलता था, पर हमने बोला कि वो बैंक भी एक तरह से डीपी की तरह काम कर रही है। डीपी कौन बन सकता है? मैं बताऊं अधिकतर लोगों ने किसको डीपी देखा है आज तक? अधिकतर लोगों ने डीपी देखा ही नहीं है। लोगों को लगता है बैंक में डीमैट अकाउंट खुलता है, ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुल जाता है, ब्रोकर के पास भी खुल जाता है, पर ढंग से सोचो वो ब्रोकर उस टाइम कैसे काम कर रहा है एज ए डीपी। एलिजिबिलिटी लिखी हुई है लॉ में,
सेबी के अकॉर्डिंग कौन कौन लोग बन सकते हैं डीपी, ये सारे नाम आप जानते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जानते हो, तो दूसरा नाम आएगा इफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तीसरा फॉरेन बैंक्स जो आरबीआई की परमिशन से इंडिया में काम कर रही है, फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जैसे एमपी में क्या काम करता है, मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एमपीएफसी। नेक्स्ट और कौन, कस्टोडियंस, अभी आप शायद कस्टोडियन को बिल्कुल नहीं जानते, ये भी डीपी बन सकते हैं। एक काम करता हूं आज, अभी आज का डिस्कशन केवल कस्टोडियन पे रखते हैं, अब लास्ट इसी पर डिस्कशन करते हैं, तो अभी इसको इग्नोर कर दो। नुसरा क्या लिखा हुआ है, इसलिए आपने उन्हीं लोगों को आज तक डीपी देखा है, पर उस समय वो ब्रोकर की तरह काम नहीं कर रहा है, जब वो डीमैट अकाउंट खोल रहा है तब वो काम कर रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ डीपी। स्टॉक ब्रोकर्स बन सकते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग हाउस अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आता, बट आई थिंक आपको एनबीएफसी तो समझ में आता है, तो चूंकि बैंक है तो एनबीएफसी तो डीपी बनी सकती है। और ये भी आपको अभी समझ नहीं आता, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये सब इंटरमीडियरीज के नाम है। और याद करो रजिस्ट्रार वर्ड तो इस चैप्टर में कई बार आ गया, इश्यूअर के साथ साथ रजिस्ट्रार लिखते हैं, एक दिन इंटरमीडियरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये बहुत आसान इंटरमीडियरीज हैं दोनों, तब समझ में आएंगे एक बार में, अभी इग्नोर करते हुए चलते हैं। अभी आज बताता हूं आपको कस्टोडियन कौन, तो बेसिकली डीपी कौन कौन बन सकते हैं, बैंक्स, एफआई, एनबीएफसी, ब्रोकर्स, ये सब डीपी बन सकते हैं। कस्टोडियन कौन होते हैं, आपने नाम नहीं सुना यार कभी कस्टोडियन का, या नाम सुन के कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है आपको कस्टोडियन, इनका काम क्या है, कस्टडी रखना किसकी, किसकी कस्टडी रखना, वैल्यूएबल असेट्स की, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज। ये कौन लोग हैं, ये किस बात के काम करने वाले, ये कौन सा काम होता है कस्टडी रखना, क्यों आप बैंक में जाके लॉकर नहीं खुलवाते, क्यों खुलवा के आते हो, क्यों रख के आते हो उसमें गोल्ड, सेफ कस्टडी के लिए, तो कस्टडियन तो होते हैं, बस बात इतनी सी है कि बैंक के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती कि आपने कितना सोना लॉकर में रखा हुआ है, वो चाबी आपके पास रहती है। कस्टडियन कौन है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं कि किसका क्या क्या हमारे पास रखा हुआ है। कस्टडियन क्यों चलते हैं, सही बताऊं तो कस्टडियन का ज्यादा रोल आज से कुछ साल पहले तक था हमारे लिए, तो जब सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में हुआ करती थी और लोगों को डर रहता था गुम जाए, चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, तो सेफ कस्टडी के लिए किसके पास रख देते थे, कस्टडियन के पास। वो रिकॉर्ड मेंटेन करता था कि किस इन्वेस्टर की कितने, कौन कौन सी कंपनी के कितने शेयर मेरे पास रखे हुए हैं, ये है कस्टडियन। The custodian keeps the securities in his custody for safekeeping. Valuable assets रख सकता है like gold, silver, including securities. पर जब से securities electronic form में गई है तब से इनका role थोड़ा सा कम हो गया है, especially हमारे securities market में। अब तो ये तो clear है कि stock broker और custodian दोनों बन सकते हैं DP। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना, मेरा क्वेश्चन ये है क्या कस्टडियन और डिपॉजिटरी में कोई सिमिलरिटी है, हाँ हाँ बताओ ना क्या सिमिलरिटी है, दोनों सिक्योरिटीज को अपने पास रखते हैं, हाँ या ना, अरे इंटेंशन अलग अलग हो सकता है पर रखते तो हैं। कस्टडियन तो कौन सी सिक्योरिटीज को अपने पास रखता है, फिजिकल, जबकि डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक। इंटेंशन क्या है, अब बात करते हैं डिफरेंस की, तो डिफरेंस हो गया ना, सिमिलरिटी तो क्या है, कस्टोडियन कौन है, हु कीप्स
द सिक्योरिटी हु कीप्स द कस्टडी ऑफ द वैल्यूएबल असेट्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज फॉर द सेफ कीपिंग. डिपॉजिटरी कौन? हु कीप द सिक्योरिटीज ऑफ द इन्वेस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला वो फिजिकल फॉर्म में डील करता है और ये मेजरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. अब मुझे बताओ दोनों का इंटेंशन सेम है या अलग अलग है? उसका इंटेंशन क्या है कस्टडियन का? सेफ कीपिंग. डिपॉजिटरी का इंटेंशन क्या है? डीमैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना. इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है. क्यों आए डिपॉजिटरी सिस्टम में? क्योंकि हम क्या चाहते थे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करें और ट्रांसफर कैसे हो जाए? इजीली, इमीडिएट, आसानी से, इसीलिए गए थे. अब एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा. क्या कस्टडियन आपकी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने का राइट रखता होगा या केवल सेफ कस्टडी ही करेगा? क्या वो ट्रांसफर कर सकता है? तो क्या डिपॉजिटरी ट्रांसफर कर सकता है? ये डिफरेंसेस है. क्यों डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर सकता है क्या? सर थोड़ी देर में लगा रहा हूं, बस सर थोड़ी देर में लगा रहा हूं. डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर सकता है क्या? हाँ. क्या कस्टडियन सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर सकता है? नहीं. तो यही है कस्टडियन और डिपॉजिटरी में डिफरेंस. आप अगर देखोगे हमारे सिलेबस में इन दोनों के बीच में डिफरेंस की तीन लाइन लिखी हुई है, बस डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटरी एंड कस्टडियन. पढ़ लेंगे तीनों लाइन, देखो क्या लिख रहे हैं. बोथ डिपॉजिटरी एंड कस्टडियन सर्विसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज बट दे आर डिफरेंट इन द सेंस दैट. क्या डिफरेंस है? डिपॉजिटरी कैन लीगली ट्रांसफर बेनिफिशियल ऑनरशिप. क्या पक्का समझ में आ रहा है? ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है जबकि कस्टडियन ऑनरशिप के ट्रांसफर नहीं कर सकता. कस्टडियन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेफ कीपिंग. डिपॉजिटरी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्डिंग सो दैट ट्रांसफर हो जाए आसानी से, इमीडिएट. लिखा भी है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिपॉजिटरी इज टू मिनिमाइज द पेपर वर्क इन्वॉल्व विद द ऑनरशिप ट्रेडिंग एंड ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज. इनका ये इंटेंशन है जबकि कस्टडियन का इंटेंशन है केवल सेफ कीपिंग, सेफ्टी. तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटरी एंड कस्टडियन. तो क्या तीन लाइन लिखकर आओगे? नहीं, पहले समझाना डिपॉजिटरी क्या होता है, फिर समझाना कस्टडियन क्या होता है, फिर उनके बारे में डिफरेंस लिखना. वैसे तो मैंने आपको कल कुछ दो तीन चीजें लिखकर लाने को कहा था. लिखिए, तुमने लिखकर लाए हो? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आई होगी ज्यादा. बहुत नॉर्मल लैंग्वेज थी डिमैट रिमैट इनकी. ठीक है, लिखकर लाए हो पक्का? हाँ. आपको डाउट है कि सही है या नहीं तो चेक जरूर करवाए ना. बाकी ऐसा कुछ बहुत टिपिकल टॉपिक वो था नहीं, लिख लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट. चलिए खत्म करते हैं यहीं पर आज का डिस्कशन. आपकी हालत को देखते हुए मुझसे